Hello friends, my name is Saurav Angar. Today I will discuss about life cycle of polycyclonia. हमने last class में rhodopsin के general character के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे हम polycyclonia इसका एक member है जो class ceremials का member है. ठीक है, यहाँ पे देखो ये इसकी हमने position बता रखी है, systematic position जो होती है वो बता रखी है. ठीक है, तो ये क्लास रोडोपाइसी का मेंबर है, ऑर्डर इसका सेरेमियल्स होता है. ये ऑर्डर भी याद कर लेना, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं. इसे पॉलीसाइफोनिया क्यों बोलते हैं? पॉलीसाइफोनिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका थैलस होता है वो पॉलीसाइफेनस नेचर का होता है. मतलब उसमें जो साइफोन होते हैं बहुत सारे होते हैं, साइफोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं. देखो सेंट्रल साइफोन, जो सेंट्रल साइफोन होता है, जैसे कि ये हो गया सेंट्रल साइफोन लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, अब इसको कर सराउंड करे रहते हैं 4 to 5 और साइफोन लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके सराउंड करे रहते हैं, ऐसे सराउंड करे रहते हैं. ठीक, इन्हें हम पेरी सेंट्रल साइफोन बोलते हैं. तो ये इसीलिए इसे हम पॉलीसाइफोनिया बोलते हैं. ठीक है, ये मोस्टली मैराइन एल्गा है और ये मैराइन एल्गा है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कोस्टल एरिया एंड लिटोरल जोन. जो हमारा सी होता है उसमें कोस्टल एरिया भी होती है, लिटोरल जोन भी होते हैं. जब तुम इकोलॉजी पढ़ो तो वहां पे बताया जाता है लिटोरल जोन क्या होता है, कोस्टल जोन क्या होते हैं. तो ठीक है, तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. और पॉलीसाइफोनिया इज कॉमनली फाउंड इन एंड इपीफाइटिक ऑन प्लांट्स. ये इपीफाइटिक होती है ऑन प्लांट्स पे और सेल्फ मतलब सेल्फ जो क्लास है रोडोफाइसी के भी मेंबर्स, जो रोडोफाइसी की एल्गी है वो रोडोफाइसी के ही मेंबर पे इपीफाइटिक के रूप में होती है. तो होता क्या, जैसे पॉलीसाइफोनिया फेरुलेसी है, जो पॉलीसाइफोनिया फेरुलेसी है मेंबर, ये इपीफाइटिक किस पे होता है, ये इपीफाइट होता है जेरिडियम. जेरिडियम भी क्या है, एक रेड एल्गी है जिससे मैं एगार एगार ड्रॉप होता है. ठीक है, तो जो पॉलीसाइफोनिया फेरुलेसी है वो रेड एल्गी पे ही हमारा क्या है, इपीफाइट है, इपीफाइट की तरह रहता है और जेरिडियम भी एक रेड एल्गी है. ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीसाइफोनिया यूरिसियोलाटा. जो पॉलीसाइफोनिया यूरिसियोलाटा है ये भी हमारा, ये किस पे है, ये फियोफाइसी के मेंबर पर इपीफाइट के रूप में रहती है. जैसे कि लेमिनेरिया, लेमिनेरिया के लेमिनेरिया पे ये इपीफाइट के रूप में रहती है, इसे हम बोलते हैं, ये होता है हमारा फियोफाइसी का क्लास. ठीक है, तो ये याद रखना एग्जाम्पल. और ये मोस्टली जो होते हैं वो लिथोसाइट लिथोफाइट होते हैं, क्योंकि ये मैराइन में पाए जाते हैं. तो लिथोफाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो रॉक से अटैच रहते हैं, तो ये रॉक से अटैच होते हैं. जो हमारी रॉक होती हैं वो ब्रैकिस मतलब जो मैराइन में प्रेजेंट होती हैं, एस्चुरीज में प्रेजेंट होती हैं, उन पे ये अटैच फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, थैलस इज हेट्रोट्राइकस मल्टी एक्सियल. हेट्रोट्राइकस का मतलब क्या होगा, इसमें दो रीजन होंगे, एक इरेक्ट रीजन होगा, एक प्रोस्ट्रेट रीजन होगा. ठीक है, तो इसीलिए इसे हम हेट्रोट्राइकस बोलते हैं. ठीक है, हैविंग अ इरेक्ट सीरीज ऑफ ब्रांचेस एंड फिलामेंटस प्रोस्टेट सेक्शन अटैच टू द सबस्टेटम बाई द यूनिसेलुलर राइजोइड्स, यही हेट्रोट्राइकस होता है. मतलब दो रीजन होते हैं, एक इरेक्ट होगा, एक प्रोस्टेट रीजन होगा, ऐसे करके ये प्रोस्टेट रीजन होगा. फिर उसके बाद ऐसे इरेक्ट इसकी ब्रांचेस निकली हुई होंगी मेन एक्सिस पे ऐसे, तो ये इरेक्ट रीजन हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए हम इसे हेट्रोट्राइकस एल्गा भी बोलते हैं, हेट्रोट्राइकस थैलेसिस का होता है, ये याद रखना. द मेन एक्सिस बियर्स टू टाइप ऑफ लेटरल ब्रांचेस. ठीक है, जो इसकी मेन एक्सिस होती है वो दो टाइप की मेन ब्रांचेस को उसमें दो टाइप की मेन ब्रांचेस होती हैं, एक शॉर्ट ब्रांचेस जिन्हें हम ट्राइकोब्लास्मी बोलते हैं, दूसरी होती हैं लॉन्ग ब्रांचेस. ठीक है, तो शॉर्ट ब्रांचेस और लॉन्ग ब्रांचेस के करेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, दे आर यूनि एक्सियल. पूरा अगर हम फिलामेंट पॉलीसाइफोनिया की बात करें तो वो मल्टी एक्सियल होता है, क्योंकि उसमें लेटरल और जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं और जो शॉर्ट ब्रांचेज और लॉन्ग ब्रांचेज होती हैं. और ये याद रखना कि जो शॉर्ट ब्रांचेज होती हैं इनको ट्राइकोब्लास्ट भी बोलते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, तो दे आर यूनिएक्सियल लैक पेरिसेंट्रल साइफोन. जो पेरिसेंट्रल साइफोन होता है इसमें एब्सेंट होता है. ठीक है, इसके बाद लिमिटेड ग्रोथ होती है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है. इसमें जो शॉर्ट ब्रांचेज होती है इनमें लिमिटेड ग्रोथ होती है, मतलब ये डिटरमिनेट बोल दें या डिटरमाइन हो जाती है. ठीक है, एंड द बियर अ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इसीलिए इनमें क्या होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि ये एक टाइम पे मेल और फीमेल ऑर्गन को जो होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं उनको
वो प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर, ठीक है, इसलिए इनमें लिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है। इसके बाद हम वहीं अगर बात करेंगे लॉन्ग लेटरल जो ब्रांचेज होती हैं, दीज ब्रांचेज डेवलप्ड फ्रॉम द बेसल सेल ऑफ द शॉर्ट ब्रांच, जो शॉर्ट ब्रांच होता है शॉर्ट ब्रांच की बेसल सेल से ये डेवलप होती हैं एंड दे सो अनलिमिटेड ग्रोथ। देखो शॉर्ट ब्रांचेस थी उनमें लिमिटेड ग्रोथ थी, इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ है, और अनलिमिटेड ग्रोथ है इसका मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारी लॉन्ग ब्रांचेस में नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये करेक्टर है पॉलीसाइफोनिया की, ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अगर हम इसका रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इसमें थ्री टाइप की लाइफ साइकिल पाई जाती है। इसके रिप्रोडक्शन में थ्री थैलाई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, थ्री टाइप के जो थैलाई स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे हम ट्राइफेजिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें तीन टाइप की फेज पाई जाती है, ठीक है। देखो एक होता है एसेक्सुअल थैलस, या एसेक्सुअल थैलस को हम क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट्स, ये डिप्लॉइड थैलस होता है, ठीक है। जब हम इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे कहाँ पे क्या बनता है वो हम फिर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे गैमेटोफाइट या हैप्लॉइड थैलस होता है, ठीक है। इसके बाद कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, ठीक है। तो देखो तीन यहाँ पे फेजेस देखने को मिली, डिप्लॉइड 2n एन 2n, ठीक है 2n, ठीक है। तो तीन फेजेस मिली इसीलिए हम बोलते हैं ट्राइफेजिक। और उसके बाद देखो डोमिनेंट कौन सी, इसमें डोमिनेंट फेज जो हो रही है वो डिप्लॉइड वाली हो रही है, क्योंकि दो बार पाई जा रही है डिप्लॉइड, इसीलिए इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइफेजिक डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, ठीक है, डिप्लोबायोटिक। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो टेट्रास्पोर्स के द्वारा होता है, जो टेट्रास्पोरोफाइट से बनते हैं, टेट्रास्पोर्स के द्वारा हमारा रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, टेट्रास्पोरोफाइट से टेट्रास्पोर्स बनते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू गैमेट्स टाइप का होता है, एडवांस है, क्योंकि यहाँ पे टू गैमेट्स टाइप, तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, और मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज डायोसियस। डायोसियस का मतलब ये होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन दूसरे प्लांट पे होगा, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होना डिफरेंट फैलाई, या अगर प्लांट के केस में बोले तो डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, सेम स्पीसीज ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। तो ये डायोसियस हो गया, डायोसियस में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट फैलाई, ये भी याद रखना, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज डायोसियस। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड स्पर्मेटेंजिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड कार्पोगोनिया, बोथ आर डेवलप्ड ऑन ट्राइकोब्लास्ट। ट्राइकोब्लास्ट हमने अभी तुम लोगों को पीछे क्या बताया था, तुम लोगों को पीछे ये बताया था कि जो ट्राइकोब्लास्ट होता है उसे हम शॉर्ट शॉर्ट ब्रांच भी बोलते हैं, और शॉर्ट ब्रांच बोलते हैं इसी या ट्राइकोब्लास्ट बोलते हैं, इसीलिए बोला ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कि हमारे जो पॉलीसाइफोनिया है उसमें मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन किस पे डेवलप होते हैं, तो वो ट्राइकोब्लास्ट डेवलप होते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्पर्मेटेंजिया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्पर्मेटेंजिया, ये जो स्पर्मेटेंजिया होती है, स्पर्मेटेंजिया एवलॉन्ग ग्लोबोस एंड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, और इसका यूनिन्यूक्लियर जो प्रोटोप्लाज्म है वो फॉर्म करता है सिंगल स्पर्मेटिया स्पर्मेटियम। अब ये स्पर्मेटियम जो होता है, जैसे हमारे एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड बनते हैं, यहाँ पे स्पर्मेटियम बन गया, ठीक है, स्पर्मेटियम या बोल दें एंथ्रोजॉइड, लेकिन यहाँ पे प्लेजरा या मोटाइल स्ट्रक्चर कुछ नहीं प्रेजेंट होता है स्पर्मेटियम में। जो हमारा जो मेल का सेक्स ऑर्गन है वो वाटर की स्ट्रीम के थ्रू हमारा कार्पोगोनियम तक पहुंचता है, कार्पोगोनियम की ट्राइकोगाइन तक पहुंचता है, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कार्पोगोनियम, कार्पोगोनियम जो होता है वो हमारा कार्पोगोनियम फ्लामेंटस फ्लामेंट्स एंड एग एंड ट्राइकोगाइन से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके बाद जो जो हमारा ट्राइकोगाइन है या बोले तो जो जो कार्पोगोनियम है, कार्पोगोनियम इसके बाद क्या होता है, देखो हम तुमको अब डायग्राम में दिखा देते हैं, ये है हमारा डायग्राम, ठीक है, लाइफ साइकिल का। तो ये हमारी कार्पोगोनियम, कार्पोगोनियम ब्रांच पे हमारा कार्पोगोनियम बना, कार्पोगोनियम में अब क्या होता है, इसमें एक स्पेशलाइज्ड एडेक्सियल सरफेस पे एक सेल फर्टाइल सेल होती है, वो फंक्शन करने कैसे लगती है, सपोर्टिव सेल की तरह फंक्शन करने लगती है, और इसमें बाद में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, तो हमारे क्या बन जाते हैं, फिर हमारे बन जाते हैं यहाँ पे कार्पोगोनियम फिलामेंट। कार्पोगोनियम फिलामेंट में जो ऊपर वाली सेल होती है वो हमारी सॉरी कार्पोगोनियम मदर सेल कहलाती है, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, कार्पोगोनियम मदर सेल कहलाती है। तो ये सपोर्टिव सेल है, यहाँ पे सपोर्टिव सेल डिवाइड करती है, सपोर्टिव सेल जो होती है वो डिवाइड करती है, क्या बनाती है हमारी कार्पोगोनियम फिलामेंट बनाती है। कार्पोगोनियम फिलामेंट जैसे ही बनाती है,
कार्पोबोनियम फिलामेंट जैसे ही बनाएगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा जो उसकी ऊपर वाली सेल होती है वो फंक्शन करने लगती है किसकी तरह, कार्पोगोनियम मदर सेल की तरह, और जो इसके नीचे की जो सेल होती है जो सपोर्टिव सेल होती है वो क्या होती है, वो बेसल स्टाइल या लेटरल स्टाइल सेल की तरह फंक्शन करने लगती है। ठीक है, अब जब हमारा फर्टिलाइजेशन होगा तो मेल गैमेट जो स्पर्मेटिया है वो ट्राइकोगाइन के थ्रू इसमें एंटर करेंगे, ठीक है, और जाइगोट बनाएंगे। उसके बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं वो हमको देखने क्या होते हैं। ठीक है, जो हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, देखो क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के चेंज होने के बाद जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्पोस्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? कार्पोस्पोरोफाइट। ये हमारा कार्पोस्पोरोफाइट कहलाता है पूरा। ठीक है, जो डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर हो जाते हैं उसे बोलते हैं हम कार्पोस्पोरोफाइट्स। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे जाइगोट बना है वो 2n नंबर का होगा। अब क्या होता है यहाँ पे, सॉरी, जो बेसल स्ट्राइल फिलामेंट्स होता है या लेटरल जो स्ट्राइल फिलामेंट्स होता है वो स्ट्राइल फिलामेंट्स किसका वर्क करते हैं, न्यूट्रिशन का वर्क करते हैं, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सपोर्टिव सेल होती है फिर से वो डिवाइड करती है और एक्जिलरी सेल बना लेती है। यहाँ पे देखो, ये एक्जिलरी सेल बनी, जो सपोर्टिव सेल थी जो फिर से डिवाइड करेगी और क्या बना लेगी, एक्जिलरी सेल बना लेगी। ठीक है, अब जैसे ही ये एक्जिलरी सेल बनाएगी उसके बाद क्या होता है, ये कार्पोगोनियम के साथ क्या बना लेती है, जब एक्जिलरी सेल यहाँ पे ये बन जाएगी, ये हमारी यहाँ पे एक्जिलरी सेल जब बन जाएगी, ये कार्पोगोनियम के साथ क्या बना लेती है, ट्यूबुलर कनेक्शन बना लेती है। यहाँ पे कैसा कनेक्शन होता है, पिट के द्वारा कनेक्शन होता है, पिट कनेक्शन। हमने रोडोफाइसी के स्टार्टिंग में ही बताया था जो करैक्टरिस्टिक फीचर होता है इसका, वो क्या होता है, करैक्टरिस्टिक फीचर हमने तो आप लोगों को यही बताया था कि जो हमारा करैक्टरिस्टिक फीचर होता है वो पिट कनेक्शन इसमें मिलता है। ठीक है, तो अब ये ट्यूबुलर कनेक्शन बना लेगी, इसके बाद क्या होगा, द डिप्लॉइड जायगोट जो होता है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है। ठीक है, जो जाइगोट्स होता है वो हमारा कैसे डिवाइड करता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है। दैट मींस यहां पे क्या होगा, यहां पे मतलब जो मियोसिस नहीं होती, दैट मींस यहां पे जो जाइगोट होगा वो जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली करेगा, तो यहां पे ये 2n नंबर में ही रहेगा। ठीक है, जब ये 2n नंबर में ही रहेगा, बाद में होता क्या है, बाद में होता यह है जो हमारी स्ट्राइल फिलामेंट सेल्स होती हैं और ट्राइकोगाइन में जो कार्पोगोनियम सपोर्टिव सेल और एक्जिलरी सेल जो होती हैं आपस में कनेक्ट होके क्या बना लेती हैं, प्लेसेंटल सेल बना लेती हैं। अब ये हमारा 2n नंबर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब इनमें फिर से डिवीजन होता है। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा कनेक्शन बन जाएगा, जाइगोट हुआ। ठीक है, अब जाइगोट एक्जिलरी बर्ड और सपोर्टिव सेल्स जो भी हैं इनका आपस में कनेक्शन बनेगा जिसे बाद में कह देते हैं प्लेसेंटल सेल। ठीक है, प्लेसेंटल सेल कह देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, 2n नंबर का है टोटल। ठीक है, अब ये फिर से माइटोटिकली डिवाइड करता रहेगा, उसके बाद आउट ग्रोथ बनेगी, आउट ग्रोथ आर कट अप फ्रॉम प्लेसेंटल सेल, जो हमारी प्लेसेंटल सेल पर डिवाइड हुई है, अब उसमें आउट ग्रोथ कट होगी और ये क्या कहलाते हैं फिर, गोनिमोब्लास्ट इनिशियल सेल। ठीक है, इसे हम ये एक्ट करने लगते हैं फिर गोनिमोब्लास्ट इनिशियल की तरह। जैसे ही हमारी यहाँ पे प्लेसेंटल सेल बनेगी, ये आपस में जैसे फिर से हम तुमको बता रहे हैं, जो हमारी एक्जिलरी सेल हैं, सपोर्टिव सेल हैं और जायगोट की हैं, ठीक है, वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, बाद में प्लेसेंटा सेल की तरह वर्क करने लगेंगी। ठीक है, अब ये प्लेसेंटा सेल डिवाइड करेगा, इसमें आउट ग्रोथ कट होगी। ठीक है, फिर वो कैसा फंक्शन करने लगता है, वो फंक्शन एक्ट करने लगता है गोनिमोब्लास्ट इनिशियल सेल की तरह। ठीक है, और जो गोनिमोब्लास्ट इनिशियल सेल होती है रिपीटेडली डिवाइड करती है और फॉर्म करती है गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स। ठीक है, और जो गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स होते हैं वो फंक्शन यहाँ पे मतलब जब तुम बैटर को इस फॉर्म में देखो वहां पे क्लियरली दिखाया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जो गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स होते हैं उनके टर्मिनल पे जो टर्मिनल सेल होती है गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट की वो डेवलप करती है कार्पोस्पोरेंजियम। ठीक है, क्या डेवलप करती है, कार्पोस्पोरेंजियम। कार्पोस्पोरेंजियम जब ये डेवलप कर लेगी इसे बोलते हैं कार्पोस्पोरेंजियम। ठीक है, ये इसकी टर्मिनल सेल जो होगी, टर्मिनल सेल यहाँ पे होगी वो क्या बना लेगी, कार्पोस्पोरेंजियम बना लेगी। ठीक है, और कार्पोस्पोरेंजियम से हमारे क्या बनेंगे, डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स। अब जी हमारी यहाँ पे जो कार्पोस्पोर्स बनेंगे वो कैसे होंगे, ये सिस्टोकार्प कहलाता है, ये भी याद रखना है,
इसकी स्पोरेंजिया को आल्सो हम क्या बोलते हैं, सिस्टोकार्प। ये यहाँ पे कार्पोस्पोर्स हैं। कार्पोस्पोर्स जो होते हैं वो 2n नंबर के होते हैं। अब ये बैटरकोस्पर्म और इसमें डिफरेंस है, इसका जो कार्पोस्पोर होगा वो 2n का होगा और जो बैटरकोस्पर्म में होगा कार्पोस्पोर वो हैप्लॉइड नंबर में होता है। तो ये यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे यहाँ से जो हमारा जाइगोट बना वहां से अभी तक यहाँ पे मियोटिक डिवीजन हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो हमारा कार्पोस्पोर कैसा बना, 2n नंबर का। अब यहाँ पे ये कार्पोस्पोर, यहाँ से कार्पोस्पोर रिलीज होंगे, कार्पोस्पोर जर्मिनेट यहाँ पे हुआ, कार्पोस्पोर अभी भी ये 2n ही नंबर का है क्योंकि यहाँ पे कोई मियोसिस नहीं हुई है। अब ये 2n नंबर का है, ठीक है, जब ये 2n नंबर का है तो ये फिर फर्दर क्या हुआ, इसमें मॉडिफिकेशन हुए, अब इसने क्या बना लिया, ये टेट्रास्पोरोफाइट। टेट्रास्पोरोफाइट अभी कैसे नंबर का है, 2n नंबर का है, ठीक है, कैसा है, 2n नंबर का है। अब जो टेट्रास्पोरोफाइट होता है वो मॉर्फोलॉजिकली रिजेंबल करता है किसके साथ, फीमेल गैमेटोफाइट के साथ। और जो ये वाली जो ब्रांचेज होती है इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, स्मॉल ब्रांचेज। ये वाली स्मॉल ब्रांचेज हैं जिन्हें हम ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं, इन्हीं पे सेट्स आर। लेकिन एक ये भी याद रखना, जो हमारा ट्राइकोब्लास्ट होता है, जो टेट्रास्पोरोफाइट होता है, टेट्रास्पोरोफाइट पे कोई रिप्रोडक्टिव आर्गन डेवलप नहीं होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव आर्गन ओनली हमारा फीमेल गैमेटोफाइट पे ही डेवलप होता है, ठीक है, जो हमारे गैमेटोफाइटिक कंडीशन इसकी होती है उस पे ही डेवलप होता है, ठीक है। तो यहां से फिर क्या होगा, मियोसिस होगी, मियोसिस होने के बाद क्या बनेगा, टेट्रास्पोर, टेट्रास्पोर जर्मिनेट करेंगे और फिर ये मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे। क्योंकि हम स्टार्टिंग में भी बता चुके हैं कि ये पॉलीसाइफोनिया की मोस्टली स्पीशीज कैसी होती हैं, पॉलीसाइफोनिया की मोस्टली स्पीशीज डायोसियस होती है, तो इनका मेल और फीमेल जो थैलाई होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिन पे हमारे अलग अलग मेल एंड फीमेल ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। तो ये इसकी पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल होगी। इसमें याद रखने वाली अगर हम बात करें तो खाली याद रखने वाले पॉइंट्स ये हैं कि इसके जो ये जो हमारी ये जिसे हम फ्रूटिंग बॉडी या कुछ भी बोल सकते हैं, इसे हम सिस्टोकार्प कहते हैं। ये जो हमारी कार्पोस्पोरेंजियम होती है इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टो। इसकी जो कार्पोस्पोरेंजिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टोकार्प भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा कार्पोस्पोर्स निकलते हैं, ठीक है। अब हम बोलेंगे ये हमारे कार्पोस्पोर्स हैं, जो कोई निकलता हुआ निकाय कार्पोस्पोर्स, और ये कार्पोस्पोर्स 2n नंबर का होता है। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फीचर है, कार्पोस्पोर्स 2n नंबर का है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फीचर है। और दूसरी बात, टेट्रास्पोरोफाइट बनता है, टेट्रास्पोरोफाइट भी हमारा 2n नंबर का होता है, लेकिन मियोसिस यहाँ पे होती है। फिर टेट्रास्पोर जो होते हैं वो याद रखना हैप्लॉइड नंबर के होते हैं, ठीक है, टेट्रास्पोर्स आर n नंबर, ठीक है। तो अब एक चीज अभी हमने तुम लोगों को बताई कि जो यहाँ पे ट्राइफेजिक डिप्लोबायोटिक फेज ऑफ लाइफ साइकिल पाई जाती है, ठीक है। तो देखो हमारा ये गैमेटोफाइटिक फेज हो गई, ये गैमेटोफिटिक फेज हो गई, और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारी अब यहाँ पे जाइगोट बना, जाइगोट बनने का कार्पोस्पोर भी डिप्लॉइड है, टेट्रास्पोरोफाइट भी हमारा डिप्लॉइड है, ये 2n नंबर की हो गई दो फेज। इसके बाद फिर हैप्लॉइड फेज आ जाती, तो दो डिप्लॉइड मिली, एक हैप्लॉइड मिली, इसलिए ट्राइफेजिक डिप्लोबायोटिक, क्योंकि दो बार डिप्लॉइड मिली तो डोमिनेंस कंडीशन में क्या है, डिप्लॉइड फेज, तो इसलिए बोलते हैं डिप्लोबायोटिक है फेज लाइफ साइकिल। तो ये याद रखना, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, इसमें जो क्वेश्चन बनता है वही पूछा जाता है कि कार्पोस्पोर्स इसका कितने पोलाइडी क्या होती है, कार्पोस्पोर्स की अगर कार्पोस्पोर्स की पोलाइडी की बात करें तो 2n नंबर की होती है, और टेट्रास्पोरोफाइट भी हमारा 2n नंबर का होता है, ठीक है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और आगे अब मैं बात करूंगा बैटरकोस्पर्म की लाइफ साइकिल के बारे में, थैंक यू फ्रेंड्स।